एक बार साइड हाँ फिर बोलिए मैम, गुना में साई बाबा का मंदिर है। हाँ आप गए थे वहाँ पर? यस मैम। वेरी गुड, अच्छा लगा आपको? यस मैम। यस गुड। तो मैम, हाँ आराध्या बोलो। मैम मेरी नानी का भी साईं कॉलोनी के भाई है, गली में साईं कॉलोनी की वो एक गली है ना, उसके अंदर घुसते है ना, तो मेरी नानी का घर है उधर। अच्छा, नानी का घर है वहाँ पर? यस मैम। अच्छा बहुत अच्छी बात है ये, तो फिर आप कभी भी जाते होंगे नानी के घर है ना? यस मैम। तो वहाँ जाते होंगे है ना? यस वेरी गुड। ओके तो आज हम और रीडिंग सीखेंगे, और जिन बच्चों ने कल किया था वो बच्चे आज माइक खोलकर बार बार नहीं बोलेंगे है ना, ठीक है? तो अपनी बुक में आप लोग पेज नंबर निकालेंगे 8989। आरुष तुम्हारी मैं बाद में अभी रीडिंग करवाऊंगी, ठीक है? 8989, या फिर आपके पास जो भी बुक हो वो आप लेके बैठ सकते हो, उससे करवा दूंगी, ठीक है आरुष? आपके पास में जो भी बुक हो हिंदी की कोई भी, वो आप कर लेना। पेज नंबर क्या है? 8989। यस बिल्कुल सही है, 8989। पहले मैं सिखाऊंगी आपको पढ़ना कि कैसे पढ़ते हैं, इसके बाद में आप लोगों से करवाऊंगी, ठीक है? अभी हमारे कितने बच्चे हैं? 42 ओनली। हाँ प्रियल, आप बोलने वाली थी ना, आप तो आज हमसे वो चने वाली और वो पतंग वाली और वो ककड़ी मकड़ी वाली पोम सुनोगी और वो तगड़ी वाली। अगले मंडे से शुरू करेंगे हम लोग चारों में से कोई भी पोएम, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम मिल गया ना याद करने का, अच्छे से परफेक्टली उनको याद कर लो, फिर अगले मंडे से हम लोग उसका करेंगे है ना, सबसे सुनेंगे। ओके यस मैम। मैम हाँ कयांश बोलिए। मैम आपने बोला मेरे पास बुक नहीं है तो आप। मैम हाँ कयांश बोलो, फिर मैं आरुष की बात सुनूंगी। यस कयांश, आपने बोला था कि अपन वो हाँ किसका अल हाउदा वाला हाथी हाथी वाला रीडिंग कर, हाथी वाला मैम कौन सा पेज नंबर? हाँ वो थोड़ा मैं वो मजेदार है ना, इसलिए उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए, मैं उस दिन अलग से पूरा वही कराऊंगी एक दिन है ना, उसको हम बहुत अच्छे से करेंगे उसके साथ। मैम कौन सा पेज नंबर? और एक मिनट रुको बेटा, सारे बच्चों ने माइक खोल लिए हैं। हाँ आरुष की बात सुनूंगी, आरुष क्या बोल रहे हो बोलो। मैम मेरे पास तो बुक नहीं है, क्या आप मुझे स्क्रीन में दिखा सकते हैं? हाँ मैं दिखा दूंगी लास्ट में, ठीक है ना? लेकिन बेटा आप बुक ले लो अगर मिल जाए तो, क्योंकि जिससे आप सारी बुक पढ़ लोगे एक बार है ना बेटा, क्योंकि वैसे तो मैंने आप लोगों को भेजा हुआ है व्हाट्सएप पर, लेकिन स्क्रीन से पूरा पढ़ना ठीक नहीं है, इसलिए आप बुक जब मिल जाए ना जैन अंकल के पास तो ले लेना, ठीक है आरुष? ओके हाँ अभी आज तो मैं आपको दिखा दूंगी, करवा दूंगी, ठीक है ना? कौन सा पेज नंबर? यस बेटा बुक है,
पेज नंबर 89। ओके यस, अगर लास्ट में टाइम मिलता तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूं। स्क्रीन पर बेटा मैं अभी सारे बच्चों को इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि फिर वो मुझे जब रीडिंग करते हुए दिखते नहीं है बच्चे, है ना। जब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ ना तो कौन बच्चा कैसे कर रहा है पता नहीं चल पाता है, इसलिए मैं बुक से कराती हूँ और स्क्रीन पर भी उनको ध्यान लगाना नहीं पड़ता है ना, इसलिए हम बुक से कर रहे हैं। स्क्रीन पर जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो लेने की कोशिश करो बेटा, ताकि आप पूरा बुक रीड कर लोगे। भेज तो मैंने दिया है व्हाट्सएप पर, लेकिन उससे कैसे पढ़ोगे आप, इसलिए बुक खरीद लो, जैन अंकल के पास मिल जाएगी आपको, है ना। ओके तो अब हम शुरू करते हैं पेज नंबर 89। इसका नाम है इस पाठ का हमारा मैं भी। अब मैं भी वो कौन है वो हम देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला। देखो यहाँ पर आप अपनी बुक में एक अंडा रखा हुआ है ना, एक पौधा लगा हुआ है उसमें रेड रेड फूल लगे हुए हैं, वहां पर एक अंडा रखा हुआ है, अंडे को आप लोग एग बोलते हो, है ना, उसके पास में एक चूजा है ना। तो लो मैं अंडे में से निकल आया, आपको पता है कि अंडे में से चूजा निकलता है ना, तो ये जो है चूजा किसमें से निकला है, अंडे में से। देखो आधा अंडा उसकी बॉडी पर लगा हुआ है, दिखाया हुआ है, ध्यान से देखो पिक्चर में। बत्तख का बच्चा बोला, क्या बोला बत्तख का बच्चा, देखो फिर से पढ़ती हूँ। एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला, जो कि आप देख रहे हैं बुक में कि बत्तख का बच्चा निकला हुआ है अंडे से। बेटा अटेंड किया करो, जो भी बच्चे हैं बाद में लेट आए हैं वो टाइम से क्लास में आएंगे कल से, नहीं तो हम पेज नंबर फिर आपको नहीं बताएंगे। पेज नंबर है बेटा 8989। ओके अब कल से टाइम से आना क्लास में, है ना। तो एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला, लो मैं अंडे में से निकल आया, बत्तख का बच्चा बोला, बत्तख का बच्चा क्या बोला, लो मैं अंडे में से निकल आया। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक अंडा रखा हुआ है और उस अंडे में से एक बत्तख का बच्चा निकला है जो येलो कलर का दिख रहा है ना। इसके बाद है देखो, एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला, मैं भी आ गया, चूजा बोला। देखो उस साइड, उस राइट साइड में देखना अपनी बुक में, उसमें से भी एक अंडे में से एक मुर्गी का बच्चा निकला है जिसको हम चूजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चूजा। मैं घूमने जा रहा हूं, बत्तख का बच्चा बोला, मैं भी चलूंगा, चूजा बोला। बत्तख के बच्चे ने क्या बोला, मैं घूमने जा रहा हूँ, तो फिर मुर्गी का बच्चा भी उससे बोलने लगा कि मैं भी चलूंगा, तो दोनों जाने लगे। दिख रहे हैं आपको, दोनों दिख रहे हैं येलो येलो कलर के, एक बत्तख का बच्चा है और एक मुर्गी का बच्चा चूजा है। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। देखो बत्तख का बच्चा क्या कर रहा है, गड्ढा खोद रहा है। बत्तख के बच्चे को कैसे पहचान हो गया, उसकी बीक थोड़ी सी लंबी है ना, देखो, और गर्दन भी थोड़ी सी पतली है उसकी, ध्यान से देखो, तो वो बत्तख का बच्चा है। और हैन का बच्चा जो है चूजा, उसकी गर्दन भी थोड़ी मोटी है, उसकी बीक भी ज्यादा लंबी ज्यादा बड़ी नहीं है। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बतख का बच्चा बोला। आप देखो कि बतख का बच्चा अपनी बीक से देखो कैसे गड्ढा खोद रहा है, देखो ध्यान से पिक्चर में। मैं भी खोदूंगा, चूजा बोला। तो चूजा क्या बोला, चूजा कौन था, मुर्गी का बच्चा, तो वो भी उससे क्या बोला, बतख के बच्चे से कि मैं भी खोदूंगा। तो आप लोग क्या कर, जैसे कोई दूसरा कोई काम करता है तो आप भी बोलते ना, मैं भी ये करूंगा, है ना, मैं भी वो करूंगी, तो वो एक दूसरे को देखकर हम करते हैं, वही यहाँ पर है। देखो आगे क्या होता है, पेज नंबर, आगे आ जाओ पेज नंबर, पेज नंबर 90। मुझे एक
केचुआ मिला, है ना। केचुआ कहाँ रहते हैं, मिट्टी में होल बना बना कर रहते हैं ना। यस, बतख का बच्चा बोला। बतख का बच्चा क्या बोला, मुझे देखो बतख के बच्चे की उसमें है भी, वो दिखा रहा है, मुझे एक केचुआ मिला। देखो ध्यान से पिक्चर में दिखेगा आपको, वो दिखा रहा है कि मुझे एक केचुआ मिला। जब वो मिट्टी खोद रहा था, गड्ढा खोद रहा था, उसको क्या मिला, एक केचुआ मिला। मुझे भी चूजा बोला, तो देखो चूजा भी दिखा रहा है कि मुझे भी, है ना। क्या दिखा रहा है वो, कि मुझे भी देखो। तो दोनों के पास में क्या है, दोनों के पास में क्या है, केचुआ, है ना, केचुआ मिट्टी में मिलता है हमको, है ना। यस, अब आगे देखो, बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे नाम सीखने को मिलेंगे। मैं तैरना चाहता हूँ, बतख का बच्चा बोला। बतख का बच्चा क्या बोला, मैं तैरना चाहता हूँ। आप लोग को तैरने मजा आता है ना, पानी में तैरते हैं ना। यस, तो बतख के बच्चे ने क्या बोला, मैं तैरना चाहता हूँ। तो चूजा बोला, चूजा कौन था, मुर्गी का बच्चा, वो भी क्या बोला, मैं भी चूजा बोला। मैं भी का मतलब है मुर्गी का बच्चा। मुर्गी का बच्चा बोला मैं भी तैरना चाहता हूँ, है ना। पेज नंबर 90 बेटा, इसमें पढ़ा दिख नहीं रहा है 90, लेकिन पेज नंबर 89 के बाद जो है वो निकाल लो, है ना, लेफ्ट साइड वाला। मैम आपने तितली वाली नहीं बताई है। यस बेटा, आपने तितली वाली नहीं बताई है। हाँ हाँ, ये टू लाइंस बीच वाली, हाँ सही बोल रहे हो, साथ भी कहा, बिल्कुल ठीक है। तो अभी बताती हूँ, है ना। तितली वाली दिखा रही हूँ बेटा, मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो इसके पहले वाला तितली का है, तैरने के पहले, तो हम उसको देखते हैं पहले, ठीक है। मैंने एक तितली पकड़ी, बतख का बच्चा बोला। देखो बतख का बच्चा क्या बोला, मैंने एक तितली बटरफ्लाई पकड़ी। देखो दिख रही है आपको सुंदर सी व्हाइट बटरफ्लाई, और उसमें रेड कलर भी है कॉर्नर कॉर्नर पर, है ना। तो मैंने भी तितली पकड़ी, चूजा बोला। तो चूजा इसमें भी बोला कि मैंने भी तितली पकड़ी, तो दोनों ने पकड़ी है, देखो, है ना। एक साइड से बतख का बच्चा है और दूसरी साइड से कौन है, मुर्गी का बच्चा है। तो दोनों कितने सुंदर दिख रहे हैं ना, और बटरफ्लाई भी बहुत सुंदर दिख रही है तितली। इसके बाद मैं तैरना चाहता हूँ, बतख का बच्चा बोला, है ना। तो मैं भी, चूजा बोला। तो चूजा हर चीज में उसको, बतख के बच्चे को क्या बोल रहा है, जो बतख का बच्चा कर रहा है वही चूजा कर रहा है। देखो मैं तैर रहा हूँ, बतख का बच्चा बोला। बतख का, देखो पानी में तैर रहा है ना बतख का बच्चा, दिख रहा होगा आपको। उसकी पतली गर्दन है, लंबी थोड़ी बीक है उसकी, चोंच है, तो वो क्या पानी में तैर रहा है। तो वो क्या बोल रहा है, देखो मैं तैर रहा हूँ, बतख का बच्चा बोला। किससे, चूजे से, जो मुर्गी का बच्चा है। फिर यहाँ पर वो फिर से बोलता है चूजा, देखो मैं भी तैरूंगा, चूजा बोला। अब चूजा बोलने लगा उससे कि मैं भी तैरूंगा, है ना। तो वो भी उसके साथ में तैरने लगा। बच्चा वो चूजा डूबते हुए चिल्लाया, तो चूजे को तैरना नहीं आता, तो वो चिल्लाने लगा, क्या बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। बतख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला, और बतख के बच्चे ने, देखो देख रहे हो आप कि बतख का जो बच्चा है वो चूजे को बाहर निकाल रहा है। पिक्चर में देखो जरा ध्यान से, यस देख रहे हो ना आप लोग, यस। तो अब आपको क्या सोचना है कि हमको क्या काम नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे क्या हुआ होगा, बतख के बच्चे ने चूजे को बाहर निकाल दिया, तो आगे क्या हुआ होगा, तो कहानी को हमको आगे 3 या 4 लाइन में बताना है, आगे कि आगे क्या हुआ होगा इस कहानी के। जैसे उसने पहले क्या किया बतख के बच्चे, क्लियर नहीं आ रही है, फिर से बोलो साथ में। मैम चूजा भीग गया होगा। हाँ, चूजा भीग गया होगा, गीला हो गया होगा। यस, फिर वो सुखाने के लिए कहाँ गया होगा,
यस वेरी गुड। तो ऐसे ही अपने दिमाग से सोचना है ना। मैं बताऊं? हाँ, अभी मैं लाइन से पूछूंगी सबसे, ठीक है? बीच में से फिर क्या सभी को चांस नहीं मिल पाती है? ओके तो इस कहानी से पहले तो हमने क्या सीखा कि जो काम हमको नहीं आता है वो काम हमको नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे चूजे को पानी में तैरना नहीं आता तो नहीं तैरना था उसको, है ना। वो तो ये अच्छा हुआ कि बतख का बच्चा था हेल्प करने के लिए। अगर कोई अगर वहां पर हमारी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है तो फिर क्या होगा, है ना। दूसरी बात ये है, अगर कोई मुसीबत में है, कोई परेशानी में है, तो हमको उसकी मदद करनी चाहिए, है ना। जैसे कोई क्लास में पेंसिल नहीं लाता है तो आप उसको देते हो, कोई टिफिन नहीं लाता है तो आप शेयर करते हो, या कोई भूखा है तो उसको खाना देते हो, घर में कोई आता है आपको, है ना। या किसी और को कभी कोई पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो मम्मी पापा उसकी भी हेल्प करते हैं, या मम्मी को सामान की जरूरत है, मम्मी कुछ काम कर रही है तब भी आप उनकी हेल्प करते हो। तो सभी तरह से हम मदद करते हैं और करना चाहिए। जब जरूरत है किसी को, चाहे वो कैसी भी मदद हो, हमको करना चाहिए। और कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कुछ गलत हो हमारे साथ, है ना। यस तो अब मैं दो दो तीन तीन बच्चों को बोलती जाऊंगी, हम करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर से निकाल लीजिए, 89 पेज ही निकालेंगे, इसी को पढ़ेंगे पहले अच्छे से हम इस कहानी को अच्छे से, है ना, ताकि रीडिंग फास्ट हो जाएगी आप सभी बच्चों की। सबसे पहले हाँ मोहम्मद समर बोलो। क्लास कब खत्म होगी? क्या बेटा आपने अभी ज्वाइन की है क्या? आपको कहीं बाहर जाना है, आउट ऑफ स्टेशन? मोहम्मद मोहम्मद समर यस, आपको कहीं बाहर जाना है आउट ऑफ स्टेशन? नो मैम। तो फिर पूछ रहे हो ना क्लास कब खत्म होगी, आपको नहीं करना है क्या क्लास? यस मैम। आपको क्लास नहीं करनी है, कुछ नहीं सीखना है आपको? सीखना है मैम। तो फिर क्लास तो टाइम से ही खत्म होगी बेटा, है ना। जो टाइम है क्लास का 10:40 का, तभी खत्म होगी, है ना। यस अभी जीवेश पढ़ेगा। जीवेश यस मैम। सायरम बेटा। सायरम मैम। यस बेटा पढ़ो, स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे आप ये तीन लाइन ऊपर की। ओके मैं भी एक अंडे में से बतख का बच्चा निकला। लो मैं अंडे में से निकल आया, बतख का बच्चा बोला बोला। वेरी गुड। तो जीवेश बताओ, बतख के बच्चे में से क्या, बतख अंडे में से क्या निकला? बतख का बच्चा। वेरी गुड। अब थैंक यू जीवेश। इसके बाद पढ़ेगा मैम, वेलकम, कनिष्का पढ़ेगी। कनिष्का यस मैम। आप दूसरा वाला पढ़ो। एक एक और अंडे जैसे मुर्गी का चूजा निकला, मैं भी आ गया, चूजा बोला। वेरी गुड। तो एक और अंडे में से क्या निकला कनिष्का? चूजा। चूजा, वो किसका चूजा था? मुर्गी। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया कनिष्का, थैंक यू बेटा। इसके बाद है नेत्रा। नेत्रा यस मैम। सायरम बेटा। सायरम मैम। आप पढ़ो थर्ड नंबर का। मैं घूमने जा रहा हूँ, बतख का बच्चा
बोला यस मैं घूमने जा रहा हूँ कौन बोला बतख बतख का बच्चा है ना और मैं भी चलूंगा कौन बोला चूजा वेरी गुड चूजा कौन था मित्रा मुर्गी का बच्चा यस वेरी गुड बहुत बढ़िया थैंक यू बेटा नेत्रा वेलकम मैम इसके बाद है निखिल यस मैम सायरम बेटा सायरम मैम हाँ सायरम आप पढ़ो बेटा फोर्थ नंबर का करे मैं गड्ढा खोद गड्ढा है बेटा गड्ढा गड्ढा मैं गड्ढा खोद रहा हूँ बतख का बच्चा बोला मैं भी खोदूंगा बोला यस वेरी गुड निखिल बताओ गड्ढा कौन खोद रहा था बतख का बच्चा फिर मैं भी खोदूंगा किसने बोला चूजा का बच्चा चूजे ने मुर्गी के बच्चे ने है ना हाँ यस वेरी गुड थैंक यू बेटा निखिल इसके बाद में है पर्व क्लास में है क्या पर्व नो आई थिंक ही इज नॉट देयर ओके प्रियल सुमन मैम यस मैम एक मिनट रुको प्रियल हाँ सात्विक बोलो बेटा क्या पूछना है मैम चूजा तो डूबे बतख कैसे बतख पानी में तैर रहा है ये नहीं समझ आ रहा है बेटा आपकी वॉइस क्लियर नहीं है बिल्कुल भी मुझे क्लियर नहीं हो रही आपकी आवाज मैम जो बतख हाँ। पानी में कैसे चल रहा है चूजा तो डूब जा रहा है क्या चूजा क्या चल रहा है चूजा तो डूब गया पर कैसे पानी में तैर रहा है चूजा अभी भी मुझे आपकी बात क्लियर नहीं हुई चूजा पानी में कैसे तैर रहा है ये पूछ रहे हो क्या नहीं तो कैसे डूब गया है हाँ देखो दूसरा आदमी है वो उसकी केवल गर्दन दिख रही है ना मैम पेपर कप से है हाँ वो डूब रहा है गर्दन उसकी दिख रही है केवल है ना हाँ इतना ही मुझे आपका फोकस समझ में आया था आपने बाकी के बच्चे माइक बंद रखो साथ में कुछ पूछ रहा है हाँ साथ में फिर से बोलो मैम बतख कैसे तैर रहा है बतख का बच्चा पानी में गया ना तो वो भी बोलने लगा मुर्गी का बच्चा है ना वो भी चला गया वो डूब गया देखो दिख रहा है ना आपको डूबा हुआ तो उसको कौन ने निकाला बाहर देखो बीच से बतख के बच्चे ने बतख के बच्चे ने देखो बीच से निकाल रहा है ना वो उसको दिखा है आपको लास्ट में हाँ बिल्कुल सही क्लियर हो गया यस ओके बेटा थैंक यू यस प्रियल सुमन शुरू से पढ़ो बेटा अभी थ्री लाइन ऊपर की ओके मैम एक मुर्गी मतलब एक बतख के अंडे में से एक बतख पानी में समा में फीडिंग करना है एक
अंडे में से बदक का बच्चा निकला। और लो डरो नहीं, अच्छे से पढ़ो, गलती होती है कोई बात नहीं, मैम है ना बताने के लिए, जो नहीं आएगा वो मैम बताएंगे, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रीडिंग की, है ना। यस लो मैं आ गया अंडे में से निकल आया। यस आगे बत्तख का बच्चा बोला। यस तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, कोई बात नहीं, बार बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, वो जब होगा ना तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। पेपर कब होंगे हम आपको बता देंगे, होंगे भी या नहीं वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है बेटा। यस नेक्स्ट प्रियल के बाद है राजवर्धन। ओके नेक्स्ट है रामांश गुप्ता। रामांश यस मैम। साइरम बेटा साइरम मैम आप सेकंड वाला पढ़ो बेटा, वीडियो ऑन करो अपना। मैम ऑन है। हाँ तो आप दिख नहीं रहे हो, अभी दिख जाएगा, बीच में नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण ये होता है ऐसा, है ना। चलो पढ़ो सेकंड नंबर का। एक और अंडे में से वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पढ़ो आगे। मुर्गी का गुस्सा निकला। यस मैं भी आ गया। वेरी गुड गुस्सा बोला। गुड वेरी गुड, थैंक यू बेटा। इसके बाद है ऋषभ। मैम मेरी क्लास नहीं आई। हाँ अभी आएगी बेटा, सबकी आएगी, है ना। रुद्रराज यस मैम। साइरम बेटा पढ़ो थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर वाला पढ़ो। मैं घूमने जा रहा हूँ। मैं घूमने जा रहा हूँ। बदक का बदक बेटा आप लोग बदक बदक मत बोलो, बत्तख आधा ता भी लगा हुआ उसमें, बत्तख जो आधा ता है उसको हम लोग भी अंदर ही बोलेंगे बत्तख, है ना। बत्तख बोलो। बत्तख बच्चा बोला का? मैं भी चलूंगा। चूजा बोला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रुद्रराज, थैंक यू बेटा। सक्षम साइरम बेटा पढ़ो। फोर्थ नंबर का सक्षम वर्मा बोल रही हूँ बेटा मैं, सक्षम वर्मा, है ना। सक्षम वर्मा है क्या? नहीं है, ठीक है। तो सक्षम शुक्ला आपकी अभी बाद में आएगी, दूसरी क्लास के साथ में, है ना। यस शौर्य सोनी। सौम्या राजपूत।
साइरम बेटा। यस मैम। पढ़ो बेटा फर्स्ट नंबर है। पेज नंबर 89। उसका मतलब आप पहले से नहीं देख रहे हो ना, गलत बात है। फर्स्ट सेकंड मैम, फर्स्ट सेकंड फोर्थ वाला पढ़ो, सबसे नीचे वाले तो देख रहे हैं। एक एक अंडे में से ये वाला नहीं बेटा, बदक का ये वाला। मेरा नंबर हाँ बेटा, आपका मैंने कल बोला था आराध्य नाम, आपको भी रिस्पॉन्स नहीं आया था, तो अभी मैं आपका करवाती हूँ, ठीक है? मैं खोद रहा हूँ। आगे पढ़ो। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। यस, आगे पढ़ो। बदक का बच्चा बोला मैं भी खोदूंगा। यस। चूजा बोला यस गुड। मैं डर रही हूँ क्या सौम्या, क्या प्रॉब्लम हो रही? डरो नहीं बेटा, मैम है ना हेल्प करने के लिए, अगर कुछ गलत होता है नहीं आता है तो मैम है, प्रॉब्लम नहीं है। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस करना और सारे बच्चे, ठीक है? इसके बाद है ध्यान शर्मा। मैम कल मुझे फोन काट दिया था। क्या बेटा? मैं बोलूं काट दिया था? नहीं अभी नहीं, बीच में नहीं बेटा। आपको रिपोर्ट कार्ड मिला था कल, मैम ने भेजा था? काट दिया था। अच्छा वेरी गुड मैम। हाँ विहान शर्मा आ गए। ओके विहान आप पढ़ो बेटा, फर्स्ट नंबर से, फर्स्ट नंबर से पढ़ना है आपको, शुरू से। अंडे में से बतख का बच्चा निकला, लो मैं अंडे में से निकल आया, बतख का बच्चा बोला। वेरी गुड, तो बतख का बच्चा किसमें से निकला बेटा? अंडे से। अंडे से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया विहान, थैंक यू बेटा। इसके बाद है विशाल ओझा। विशाल ओझा नेक्स्ट है। हाँ साइरम बेटा, विशाल साइरम मैम। हाँ सेकंड वाला पढ़ूंगा। कौन सा मैम? यहाँ से पढ़ो, एक और अंडे में से मिल गया। पढ़ो विशाल। विशाल बेटा टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी शुरू करो। यहाँ से पढ़ो, एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा अच्छा जहां से आपको पढ़ना है वहां से पढ़ो। चलो पेज नंबर 89 में जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़ो, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो कोई बात नहीं। चलो विशाल विशाल चलो बाद में करवाती हूँ। विशाल आपको भी माइक बंद कर लो आप अपना। विशंका साहू। यस मैम। साइरम बेटा पढ़ो आप, सेकंड नंबर का पढ़ो। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला, मैं भी आ गया, चूजा बोला
वेरी गुड, बहुत अच्छी बेटा। तो मुर्गी में से क्या वो मुर्गी का चूजा किसने से निकला? अंडे में से मैम। अंडे में से निकला, वेरी गुड, ओके। इसके बाद है विवान जैन। यस मैम। सायरम बेटा। सायरम मैम। यस बेटा, आपको पढ़ना है थर्ड नंबर का, पढ़ो आप। मैं खेलने जा मैं नहीं बेटा, बीच में नहीं, तुम्हारा भी चांस आएगी तभी बोलेंगे। अदक का बच्चा बोला मैं बीच आ, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। कौन बोला? चूजा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया विवान, ऐसे ही प्रैक्टिस करना है आपको। चूजा बोला यस चलो, रटना नहीं है ऐसे, है ना। वो कहानी सुनाओगे आप मम्मी को या क्लास में, वो एक अलग बात है, लेकिन जब हम रीडिंग सीख रहे हैं ना, तो हमको शब्द को देखकर बोलना है। आज आपने बहुत अच्छी रीडिंग की और प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसके बाद है आराध्या शर्मा, चलो पढ़ो बेटा फोर्थ नंबर का। मैम आपकी बात सुनूंगी, मैं बोलूं। आराध्या शर्मा को पहले पढ़ने दो, ठीक है। हाँ, बाकी के बच्चे माइक बंद रखेंगे अपने। मैं बच्चा खोल रहा हूँ। यस बच्चा बोला मैं भी खोदूंगा। चूजा बोला वेरी गुड, तो गड्ढा कौन खोद रहा था आराध्या? बत्तख का बच्चा। तो उसकी कॉपी करने के लिए कौन बोल रहा था कि मैं भी खोदूंगा? चूजा बोल रहा। वेरी गुड, है ना बेटा। जब मैम कॉल करती है ना, तो रेस्पॉन्स दिया करो। कल मैंने आपका नाम कॉल किया था, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया था इसलिए। हाँ विशाल, थैंक यू बेटा। आराध्या आपने बहुत अच्छी रीडिंग की, क्वेश्चन का आंसर भी दिया। नहीं मोहम्मद, अभी आपकी टर्न नहीं आई, जिसकी टर्न आई। हाँ विशाल, विशाल ओझा, विशाल ओझा नहीं बोल रहा है। विशाल देखो। यस मैम। हाँ आप पढ़ो जरा पेज नंबर 89 पर, जो भी आपको समझ में आ रहा है वो पढ़ो। अच्छा बोलो विशाल। एक अंडे में से बदक का बच्चा निकला। यस आगे पढ़ो। लो बोलो लो। लो में विशाल। मैं बोल रही हूँ, आप बोलो। हाँ बोलो। मुझे आता नहीं है। कोई बात नहीं, मैं सिखा रही हूँ आपको, जो मैं बोल रही हूँ बोलो। एक अंडे में से बत्तख, बोलो बत्तख। बत्तख का बच्चा निकला। लो में अंडे में से निकल आया। बदक का बच्चा बोला
बोला। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? अभी बच्चों के पास चांस नहीं आई है, उन बच्चों की चांस अब कल आएगी, ठीक है? माइक बंद करो अपना अपना, माइक बंद करो, डिस्टर्ब आ रहा है ना। और सारे बच्चों को इसको रीडिंग करना है, समझना है इस कहानी को, ठीक है? हाँ, और ये बच्चे ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमने नहीं पढ़ा कल आएगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कल और आज उनकी कल चांस आएगी। दूसरी बात यह है जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, जो बच्चों के पास, उनको मैं कल स्क्रीन शेयर करके पढ़ाऊंगी, ठीक है? ओके, तो अब हमारी क्लास का समय हो गया है। नहीं बेटा, आपका हर्ष डाउट कल आपका हो गया था, अभी तो हमारी क्लास खत्म होने का टाइम हो गया है, तो हम शांति पाठ करेंगे और माइक सभी की बंद रहेंगे, ठीक है? जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। मैम आप मेरे से नहीं पूछोगी? मैं पूछूंगी बेटा, कितना चांस है? और रेडी है ना? और कर आओ मैम, अभी जाता हूँ।